हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। कभी कभी हिंदी में एक ही नाउन का इस्तेमाल कई अर्थों में होता है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम समझ के बना नहीं सकते हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को याद कर लेना ही बेहतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के हम इस क्लास में बातों से संबंधित, काम से संबंधित, मीन्स इस तरह के नाउन का इस्तेमाल जो कई अर्थों में उसका इस्तेमाल होता है, वैसे सेंटेंसेस को देखेंगे और सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वैसे सेंटेंस को समझ कर नहीं बनाया जाता है, बल्कि याद कर लेना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एक करके हम देखते जाते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। सबसे पहले देखते हैं बात वाली सेंटेंसेस। छोटा मुंह बड़ी बात, स्मॉल विट्स ग्रेट बोस्ट। बात बहुत बिगड़ गई, द मैटर टुक अ सीरियस टर्न। बात पक्की हो गई, द टर्म्स वर सेटल्ड। हम लोगों में बाताबाती हो गई, वी एक्सचेंज्ड हॉट वर्ड्स। मैं उसकी बातों में आ गया, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स। वो अपनी बातों से मुकर गया, ही वेंट बैक ऑन हिज वर्ड्स। उसने मेरी समस्याओं को बातों में उड़ा दिया, ही टॉक्ड अवे माई प्रॉब्लम। यह अफसोस की बात है, इट इज मैटर ऑफ रिग्रेट। मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सबको खुश कर देती हैं, हॉनीड वर्ड्स प्लीज एवरीबॉडी। बातों बातों में उसने सब कुछ कर दिया, ही डिड एवरी थिंग इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। यह बात मुझे नहीं सूझी, आई डिड नॉट अक्योर टू माई माइंड। क्या बात करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। मेरी उससे बात हुई, आई हैड अ टॉक विथ हिम। तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आती, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। क्या बात करते हो, व्हाट डू यू टॉक अबाउट। मैंने सारी बातें उसके सामने रख दी, आई प्लेस्ड एवरीथिंग बिफोर हिम। सच्ची बात तो यह है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यह बात सच है, इट इज फैक्ट। यह तो बड़ी बात है, इट इज अ सीरियस मैटर। अब पानी से संबंधित सेंटेंसेस देखते हैं। आप मेरा पानी रखें, प्लीज सेव माई प्रेस्टीज। उसके चेहरे पर पानी है, देयर इज अ लस्टर ऑन हिज फेस। मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा, आई विल टीच यू अ लेसन। मेरे मुंह में पानी आ गया, माई माउथ बिगेन टू वाटर, और आई वॉज टेम्पलेट। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शेम शेम फाई फाई। अभी काम से संबंधित सेंटेंसेस। मुझे आपसे एक काम है, आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस विद यू। वो अपना काम निकालना चाहता है, ही लाइक्स टू अटेंड His own end। मेरा काम नहीं बन सका, I was not able to succeed। तो देखा दोस्तों, ये सारे थे वैसे नाउन का इस्तेमाल जो हिंदी में एक ही नाउन का इस्तेमाल कई अर्थों में किया जाता है, वैसे सेंटेंस थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, और होप कि आप इसको याद कर लेंगे। ये समझने वाली चीज नहीं थी, इसके लिए मैंने ऐसा लिख के बता दिया पूरा। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।